अस्सलाम वालेकुम। क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 6 प्लेसेस अराउंड माय होम। इन दिस चैप्टर अ स्टूडेंट इज एबल टू डिस्क्राइब द प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग। ही आल्सो बी एबल टू टेल अबाउट द डिफरेंट स्टोर्स और शॉप्स अराउंड द हाउस और अराउंड द स्कूल। इस चैप्टर में एक बच्चा जो है वो अपने सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस को डिस्क्राइब कर सकेगा और बता सकेगा कि उसके घर के पास या स्कूल के पास ऐसी कौन कौन सी शॉप्स या स्टोर्स अवेलेबल हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मोमिना एंड हर मदर हु गोज इन द मार्केट फॉर पार्टी शॉपिंग। सो लेट स्टार्ट टू नो व्हाट दे बाय फ्रॉम द बाजार। Momna is going to the market with her mother to get a few things for her brother's party. Momina जो है वो अपनी मदर के साथ बाजार जाती है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए ताकि अपने भाई की पार्टी के लिए। She finds different places around her home. उसे अपने घर के इर्द गिर्द बहुत सी मुख्तलिफ जगहें मिलती हैं। फर्स्ट दे गो टू द ग्रॉसरी स्टोर, सबसे पहले वो ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं। दे बाय सम जूसेस मिल्क एंड टी फॉर द डिनर पार्टी। वो डिनर यानी रात की पार्टी के लिए जो है कुछ जूसेस दूध और चाय खरीदते हैं। देन नेक्स्ट पेज नंबर 31 दे गो टू द बेकरी टू गेट सम ब्रेड कुकीज़ एंड स्वीट्स। उसके बाद वो जो है वो एक बेकरी शॉप पर जाते हैं जिसमें उनको ब्रेड बिस्किट और मिठाइयाँ मिलती हैं। देन मोमिना आस्क हर मदर टू टेक हर टू द टॉयज़ एंड बुक स्टोर। मोमिना अपनी मम्मा को कहती हैं कि मुझे अब टॉयज़ और बुक स्टोर में भी लेके जाएं। वेयर शी बायज सम ग्रीटिंग कार्ड्स गिफ्ट्स फॉर हर ब्रदर एंड दे सॉ वेराइटी ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स स्टफ एंड प्लास्टिक टॉयज एंड मैनी कलरफुल थिंग्स। उसके बाद बेकरी से वापस पे वो टॉय स्टोर और बुक स्टोर में जाते हैं। बुक स्टोर में मोमिना को बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट नज़र आते हैं और उसके बाद उसको टॉय शॉप में जो है वो बहुत सारे टॉयज़ नज़र आते हैं जो कि प्लास्टिक के और बहुत कलरफुल थिंग्स से बने होते हैं। देन दिस इज़ द बुक स्टोर वेयर दे बाय सम बुक्स फॉर हामिद। ठीक है, हामिद के लिए वो कुछ गिफ्ट्स खरीदते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 32 आफ्टर बाइंग गिफ्ट्स मोमिना एंड हर मदर गो टू द फ्लावर शॉप टू गेट सम फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर शॉप पे वो जाते हैं गिफ्ट्स लेने के बाद और वहाँ से वो कुछ ताज़ा फूल खरीदते हैं। नेक्स्ट इन द एंड दे गो टू द गारमेंट्स शॉप टू गेट सम न्यू ड्रेसेस फॉर द पार्टी। और पार्टी पर पहनने के लिए वो गारमेंट शॉप पर जाते हैं ताकि वहाँ से वो कुछ नए कपड़े खरीद सकें। मोमिना बायज अ न्यू वाइट फ्रॉक। मोमिना जो है वो एक वाइट कलर की फ्रॉक खरीदती है। हर मदर बाय न्यू शलवार कमीज फॉर हामिद और हामिद के लिए उसकी मदर जो है वो शलवार कमीज देती हैं। फाइनली दे रीच होम एंड स्टार्ट द प्रपरेशन फॉर पार्टी और फिर आखिरकार जो है वो घर पर पहुंच जाते हैं और अपनी पार्टी के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। आपने सेम पूरे ये चैप्टर की रीडिंग करनी है पेज नंबर 30 से लेके 32 तक और देन आपने जो मेन आपके वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स राइट डाउन करने हैं अपनी बुक के ऊपर। नेक्स्ट पेज नंबर 33 एक्टिविटी नंबर सी मेक मोर राइमिंग वर्ड्स विद द फॉलोइंग। आपने राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं लाइक पेट गेट सेट कार्ड हार्ड गार्ड शॉप स्टॉप रोप। पेज नंबर 34 एक्टिविटी नंबर डी रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने यू शुड हैव टू रीड दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एट होम। आपने इनके मीनिंग्स जो हैं वो घर पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट ग्रामर फोकस मैच ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड टू इट्स करेक्ट ऑपोजिट। हमने हर वर्ड को उसके ऑपोजिट के साथ मैच करना है। ऑपोजिट का मतलब कि उलट, उसके उलट के साथ उसको मिलाना है लाइक बिग स्मॉल। सो लेट स्टार्ट रफ फ्लफी वाइट ब्लैक बिग स्मॉल ब्यूटीफुल अगली हार्ड सॉफ्ट हैवी लाइट। नेक्स्ट पेज नंबर 35 एक्टिविटी है आपकी
सॉर्ट आउट द नेमिंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड्स गिवन है, आपने उनको उनके करेक्ट कॉलम में प्लेस करना है. जैसे यहाँ पे पर्सन्स के नेम आएंगे, यहाँ प्लेस जो भी होगी उसका नेम आएगा, थिंग आएगी कोई भी चीज़ है उसका नाम आएगा, पेट का नेम आएगा. ठीक है, पर्सन इज मोमिना मदर, प्लेस शॉप बेकरी, थिंग केक टॉय, पेट रैबिट पैरट. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर जी, गेस द नेम ऑफ द शॉप बाय रीडिंग द गिवन क्लूज. लेट्स बाय सम रेड रोजेज फॉर मदर, फ्लावर शॉप. द ड्रेसेस आर ऑन सेल नाउ, गारमेंट्स शॉप. लेट्स गेट सम ब्रेड एंड केक्स फॉर डिनर, बेकरी. आई वॉन्ट टू बाय अ पेट, पेट शॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मोमिना बाय फ्रॉम द गारमेंट्स शॉप. शी बायज अ न्यू वाइट फ्रॉक. हाउ मेनी प्लेसेस डज मोमिना विजिट नियर हर होम इन लिस्ट देम. ग्रोसरी स्टोर, बेकरी, फ्लावर शॉप, बुक स्टोर, गारमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, Which signs are shown near the grocery store and bookstore? Advertisement, greeting cards and toys, etc. Question number 4, Which notice should be displayed in a pet shop? Rabbit, parrot, cat, etc. Lesson number 6, Dictation. Bakery, plastic, buying, variety, ग्रॉसरी. नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अल्लाह हाफिज़.